हमारे YouTube चैनल आज हॉर्टिकल्चर एंड नेचर में आज हम आपको एक ऐसे पौधे से परिचित कराएंगे जो कि देख रहे हैं अभी, ये है अडुड़सा। एक आयुर्वेदिक पौधा है ये, इसको अडुड़सा संस्कृत में बासा, मराठी में अडुड़सा, हिंदी में भी अडुड़सा और बहुत सारी भाषाओं में इसको अडुड़सा ही कहा जाता है। और एक आयुर्वेदिक पौधा है जो कि नदी नालों के किनारे बिना पानी के भी ये पौधा हो जाता है और ये भारतवर्ष में हर तरह हर जगह पाया जाता है। इसमें दोस्तों दो वेराइटी है, ये आप जो देख रहे हैं ये है हरा पत्ती वाला अडुड़सा, दूसरा एक आता है काला अडुड़सा। तो काला बासा जिसमें उसके पत्ते काले, वो जो आप इसमें देख रहे हैं नागफनी के जैसे इसके सफ़ेद फूल होते हैं, देखिए आप ये नागफनी के जैसे सफ़ेद फूल है और इनमें फूल के बाद बीज भी आएंगे। तो ये एक आयुर्वेदिक पौधा है, जैसे कि आपको बहुत सारी जगह इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कहीं। तो ये मेनली वातकारक, कफनाशक, एक ऐसा पौधा है कि जिसका आयुर्वेद में बहुत सारा महत्व है और इसके प्रयोग में पत्तियाँ, फूल और फल ये सब लाए जाते हैं। और ये बिना पानी के भी पौधा हो जाता है, जैसे सूखे प्रदेशों में भी अगर हो जाता है, इसलिए भारतवर्ष में हर कहीं पाया जाता है। ज़्यादातर ये नदी नालों के किनारे या खेतों की मेड़ पर आपको मिल जाएंगे। और ये एक ऐसा पौधा बहुत पौधा है, तो ये पौधा अगर अपन खेतों की मेड़ से अगर लाइन से लगा दे तो बायो फेंसिंग जिसको बोलते हैं, तो वो फेंसिंग अपने खेत की हो सकती है, जिसके कि जंगली पशुओं से अपने खेत की मुख्य फसलों का बचाव हो सकता है। तो आपको जैसे आपको बताया, इसको ग्रो करने का एक तरीका होता है, ये वैसे भी साधारण बीज से कोई होता नहीं, इसकी कलम से ही, यानी ये कहीं आप तोड़कर अगर बारिश के समय में लगा देते, जैसे ऐसे यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से तोड़कर बारिश के समय में लगा दिए, या बारिश ना हो तो आप अगर सिंचन की व्यवस्था हो तो वहाँ भी अगर लगा दिए तो ये जग जाएगा। तो इसका जो एक सबसे अच्छा उपयोग मैं आपके लिए बता दूँ, जैसे अभी कोरोना चल रहा है और ये अडुड़सा का आपने कफ के लिए एक औषधि आता है, मेडिकल स्टोर्स में आपने देखा होगा, तो मैं बता दूँ आपको कि नेचुरली अगर आप ये करना चाहते हैं और अपने घर का दवा, घर का बैदा अगर बनना चाहते हैं, तो ये दो से तीन पत्ते अडुड़सा के, जैसे कि आपको मैंने बताया, ये ऊपर के हिस्से से नहीं लेना है, ये मझोले हिस्से से आपको ये पत्ते लेना है, ये पीछे के पके हुए ये भी पत्ते नहीं लेना है, मझोले हिस्से से आपको दो से तीन पत्ते लेना है। तकरीबन एक चम्मच इसका रस आपको निकालना है, कूट कर या मिक्सी में पीस कर, और इसमें एक चम्मच शहद मिलाकर अगर आप इसका सेवन करते हैं तो किसी भी प्रकार के खांसी हो दोस्तों इसमें आराम से जाती है, इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं। और ये बहुत उपयोगी ऐसा पौधा है, और इसमें जो काला अडुड़सा अगर आपको कहीं मिल जाए या दिख जाए तो हमें कमेंट बॉक्स पे बताएं, क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा गुणकारी होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्ते।